हेलो फ्रेंड्स, फ्राई किचन में आप सभी का स्वागत है। इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आज मैं आपके साथ फेमस स्ट्रीट फूड राज कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। राज कचौरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। इसमें आपको खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन हर तरह का स्वाद इसमें आपको मिलते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज कचौरी बनाना। पहले हम डो लगाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने ली है 1 कटोरी सूजी और उसी 1 कटोरी से मेजर करके लिया है 1 कटोरी मैदा। हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, इस तरह से मसलते हुए। ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। जैसा डो हम पूड़ियों के लिए लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही डो इसका लगाकर रेडी करना है, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो लगकर एकदम तैयार है। ये देखिए, ना तो ये बहुत ज्यादा टाइट है ना ही बहुत ज्यादा लूज है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रहने देते हैं, उसके बाद हम इसकी पूड़ियां बनाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, हमारा डो भी एकदम रेडी है, ये देखिए आप। अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं, इस तरह से। सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली है, अब हम इसकी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेते हैं। हम इसकी पूड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं, इस तरह से। हमारी पूड़ी कहीं से पतली कहीं से मोटी नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ से इक्वल हमें इसे रखना है। ये देखिए पूरी बिलकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए आप। बहुत ज्यादा मोटी भी हमें पूरी को नहीं करना है। अब इस तरह से हमने यहाँ कटोरी ली है पूरी को कट करने के लिए। इस तरह हमारी सभी पूड़ियां एक ही साइज की बनेगी, इस तरह से हम पूरी को कट कर लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हटा देंगे, इस तरह से एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे हटा देंगे हम। ये देखिए हमारी पूड़ी जो है हर तरह से इक्वल है। इसी तरह से हम बाकी पूड़ियों को भी तैयार कर लेंगे। पूड़ियां यहाँ बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। पूड़ियों को फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, इस तरह से हम तेल को चेक कर लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, इसे निकाल लेते हैं हम। इस तरह से हम पूड़ी को फ्राई होने के लिए डाल देंगे इसमें, और इस तरह से हम दबाते हुए इसे फुलाएंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी पूड़ी फूल चुकी है। अब इस तरह से हम इसके ऊपर तेल डालते रहेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए, अच्छा क्रिस्पी होने तक हमें इसे सेकना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा ब्राउन कलर हमारी पूड़ी में आ चुका है। अब हम इसे निकालेंगे इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ते हुए। देखिए पूड़ियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, इस तरह से दबाते हुए हमें इसे फुलाना है। देखिए कितने अच्छे से हमारी पूड़ी फूल चुकी है, और इस तरह से तेल डालते हुए हम इसे सेकेंगे।
ये देखिए हमारी ये पूड़ी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये देखिए आप, इसे भी हम निकाल लेंगे। हमारी सभी पूड़ियां तैयार है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी हमारी पूड़ी बनी है, ये देखिए। कचौरी की फिलिंग के लिए यहाँ हमने लिया है फैटा हुआ दही, मीठी चटनी, काले चने जिन्हें हमने बॉईल करके रख लिया है, उबला हुआ आलू, अनारदाना, टमाटर और हरी मिर्च, आलू भुजिया नमकीन, ये कुछ पापड़िया जिन्हें हमें इस तरह से क्रश करके रख लिया है, सिका हुआ जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक। तो चलिए राज कचौरी की प्लेटिंग करना शुरू करते हैं। कचौरी हमने ले ली है, इसे हम 20 मिनट इस तरह से हम तोड़ देंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी कचौरी है। अब हम इसमें ये थोड़े से उबले हुए आलू इस तरह से डाल देंगे, उबले हुए चने ये भी हम इसमें डाल देंगे, थोड़े से पापड़ी का चूरा ये भी हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, थोड़े से टमाटर और हरी मिर्च इन्हें भी हम ऊपर से इस तरह से फिल कर देंगे, आलू भुजिया नमकीन ये भी हम इस पर इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। अब हम इस पे ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा दही इस तरह से, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, सिका हुआ जीरा पाउडर, सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, ये फैटा हुआ दही इस तरह से, इस तरह से हम इसे दही से कवर कर देंगे। ऊपर से हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी, इस तरह से मीठी चटनी स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ी सी आलू भुजिया नमकीन, अब हम इस पे ऊपर से इस तरह से डालेंगे अनारदाना, इस तरह से डाल देंगे हम, लाल मिर्च पाउडर भी इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा जीरा और नमक। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी राज कचौरी बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी राज कचौरी बनी है, एकदम हलवाई स्टाइल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।